बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मैथ्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर्स वी हैव डिस्कस अबाउट स्क्वायर रूट। टुडेज टॉपिक इज स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एज यू नो, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी टॉपिक। So today's SLOs are, after this lecture you will be able to find the square root of given numbers by using prime factorization method. So let's start. Exercises 1.18, question number 2, find the root of following numbers by prime factorization method. Part number 1 is 900. It's a simple. Firstly, we have to put the sign of square root. This is called radical. This sign name is radical, and value of this sign is 1, 2, as we have discussed in last lectures. So because we are talking about the prime factorization, so you firstly have to find the prime factor of given numbers. So 900 we have, so the prime factors of 900 are 2 4s are 8, we have 1 leftovers, it become 10. 2 5s are 10 and 0 will be as it. And next one, you know, I have already told you we have to use only prime numbers. ठीक है, हम इसको 5 के साथ भी कर सकते थे, 5 भी prime number है, लेकिन आपने smallest से start करना है, इसलिए हमने firstly 2 से try किया. ठीक है, next one is 2 2s are 4, 2 2s are 4, 1 is left, so it become 10, 2 5s are 10, same, it is not divisible by 2. Next we start with 3, 3 7s are 21, 1 is left, and 3 5s are 15. 3 2s are 6 and 1 is left over, it become 15, 3 5s are 15, and 5 5s are 25, 5 1s are 5. Factors are, put the radical sign, 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5, they are in the 1 pair, 2 pair and 3 pair, so that's why we write in the form of square. 2 square multiply 3 square and multiply 5 square, और हमने इसके ऊपर साइन लगा दिया. द वैल्यू ऑफ दिस साइन इज 1/2, क्लोज दिस डाटा इन ब्रैकेट, और हमने इसके ऊपर 1/2 लगा दिया. देन पुट्स दिस वैल्यू ऑफ रेडिकल साइन 1/1 टू ऑल फैक्टर्स. 2 के ऊपर हमने लगाए, दिस इज 2 मल्टीप्लाई विद 1/2 एंड मल्टीप्लाई 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई विद 1/2, देन मल्टीप्लाई 5 स्क्वेयर, इसकी अपनी वैल्यू, मल्टीप्लाई 1/2. यू कैन सी हियर, ठीक है, आई रिपीट अगेन, दिस वैल्यू विल मल्टीप्लाई विद दिस साइन, 2 मल्टीप्लाई विद 1/2, 3 मल्टीप्लाई विद 1/2, 5 मल्टीप्लाई विद 1/2. ठीक है, इनके ऊपर जो स्क्वेयर्स वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी इस फॉर्म में. ठीक है, अब हम इनके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. इस 2 को इस 2 के साथ हमने कट कर दिया, वी हैव 2, दिस कट विद दिस वी हैव 3, दिस कट विद 2 विद दिस 2 एंड बिकम 5. नाउ वी हैव 2 multiply 3 multiply 5, 3 2s are 6, 6 5s are 30, सो अंडर रूट 900 इज इक्वल टू 30. दिस इज द answer of this question. Next we have part number 5, जो question first हमारे पास simple form में था, अब हमारे पास है fractional form में. ठीक है, fraction में हमारे पास है 49 by 144, सेम फर्स्ट वी हम इसके ऊपर अंडर रूट साइन अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 2 वैल्यूज़ हैं, नॉमिनेटर सेपरेट इसका हमें फैक्टराइज करना है और डिनोमिनेटर को सेपरेटली, तो हम इनके ऊपर साइन रेडिकल साइन भी अलग-अलग लगाएंगे. ठीक है, देन वी स्टार्ट द फैक्टर्स ऑफ 49, 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7. नेक्स्ट
So we write here 7 multiply 7 and radical sign. So, and 144. 2 sevens are 14 and 4 is left. 2 twos are 4. Next 2 threes are 6. हमारे पास यहाँ 1 left over, it become 12. 2 6 are 12. 2 ones are 2 and we have now 1 and become 16. 2 eights are 16. 2 nines are 18. 3 threes are 9 and 3 ones are 3. Now factors have we. Factors are 3, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. 7 multiply 7, 1 pair. 2 multiply 2 multiply and 3 multiply. इनकी square form हमारे पास आ चुकी है. As you know, we have a radical sign of this sign have value 1 by 2. यानी कि इसका 1 by 2 value इस radical की, तो हम इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं साइन के, ठीक है, ऐसे भी, ठीक है. इसके साथ फिनिश हो गए. हमारे पास ऊपर 7 और हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 7 एज इट. एंड और गर्ल्स कीप इट माइंड, इस बाय साइन के आपने इक्वल साइन लगाना है, ठीक है. यहाँ यहाँ कुछ नहीं लगा, सिर्फ इसके सामने लगाएंगे. 3 2 6 6 2 जा 12 हमारे पास आ चुका है. सो क्वेश्चन इन फ्रैक्शनल फॉर्म, सो योर आंसर मस्ट बी इन फ्रैक्शनल फॉर्म. सो इट्स अ प्रॉपर आंसर. लिखिए अंडर रूट 49 बाई 144 इज इक्वल टू 7 बाई 12. दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन. And the next part is 8. इसमें हमारे पास है decimal. Decimal को जब हम prime factorization के method से solve करते हैं, इसके लिए हमें decimal को remove करना पड़ता है. So firstly we put the sign of radical here and then we put the decimal. जैसे ही आपने decimal remove कर देना है, तो आपने उसको दोबारा से apply नहीं करना. Point replaced to 1 and 7 0 and 6 का भी 0 आएगा. Pattern is same that we have discussed in last question. Radical sign अलहदा से apply होगा, ठीक है. और फिर हम इनके prime factors बनाएंगे. 676. 2 3s are 6, 2 3s are 6 और यहाँ 18 16 बन जाएगा. 2 8s are 16. 2 1s are 2, it become 13. 2 6 are 12, 1 is left and become 18. So 2 9s are 18. फिर हमारे आपको पता है 169 के मजीद हम किसी और के साथ ट्राई नहीं करते. ये 13 के साथ होता है. जब आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा. 13 एंड 3s are 39. 13 1s are 13. इसी तरह 100 के फैक्टर्स हम लोग बना लेंगे. और फैक्टर्स के बाद आप जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में पुट किया था, ऐसे ही हमको यहाँ राइट कर लेंगे. अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 एंड द फैक्टर्स ऑफ 100. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. ये पेयर्स की फॉर्म आ चुकी है. वी राइट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर दिस वन. आफ्टर दिस वी कट दिस रेडिकल साइन. 2 मल्टीप्लाई 13 इज लेफ्ट ओवर एंड 2 मल्टीप्लाई 5 इज लेफ्ट ओवर. मज़ीद सॉल्यूशन के लिए इस 2 को हम इसके साथ कर देते हैं. मल्टीप्लाई करके कटिंग करनी है, वो टफ हो जाएगा. सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करें. 13 बाई 5 क्योंकि हमारा क्वेश्चन डेसिमल में है, देन हम इसको डिवाइड भी करेंगे. 13 2 5 आर 10, 3 इज लेफ्ट ओवर. हमने डेसिमल लगाया और 0 बढ़ा लिया. इट बिकम 30, 5 6 आर 30. सो आंसर इज 2.6. दिस इज योर answer of this question. Okay guys, check this. It's a complete question.
Okay, girls, take care of Allah Hafiz. Sorry, firstly you have to do the practice of these questions. Leftover part you will solve at your notebooks. If you feel any problem, you will discuss with me. Take care and Allah Hafiz.